मैं बहुत बड़ो मेलो भरी रो है, उपराष्ट्रपति आ रही है, तो अबे कई तैयारियां चल रही है। मुकाम गए माँ, बहुत बड़ो मेलो हमेशा सदियों भरी जो आ रही है, और इस बार उपराष्ट्रपति महोदय जी पधारे हैं, और पिछले 2-3 साल कोरोना की वजह से भी मेला नहीं भरा गया, और फिर वो कहते हैं ना कि खिचड़ी के अंदर घी, समझ भाई, उसी प्रकार लोग बहुत ही उत्सुक थे आने के लिए, और साथ हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा संदेश गया, और मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग कटे होंगे। बड़ा बड़ा अधिकारी आ रहा है और प्रोग्राम निरीक्षण कर रहा है, तो अधिकारी कहीं सूचना दे रहा है? अब सूचना क्या है, ये प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, और हमारा समाज तो वैसे ही प्रोटोकॉल में रहता है, हम तो पर्यावरण प्रेमी, वन्य जीवों के प्रेमी, हम तो वैसे ही प्रोटोकॉल ही, हमारा समाज पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखता है। आईबी वाले आते हैं, सीआईडी वाले आ रहे हैं, डिफेंस वाले भी आ रहे हैं, और राजस्थान प्रशासन भी आ रहा है, और बहुत अच्छा माहौल है। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं राष्ट्रपति जी जो आ रहे हैं? उनके राष्ट्रपति जी हेलीपैड पे आएंगे, वहाँ से स्वागत करके उनको चौधरी विश्व रतन चौधरी भजनलाल जी, जो हमारे 3 बार CM रहे, हरियाणा के केंद्रीय मंत्री रहे, और हमारे विश्नोई समाज के वो मार्गदर्शक थे, उनकी स्टेच्यू पे जाएंगे जो समरातल और बाईपास पे हैं, और उस पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उनका अनावरण करेंगे। उसके बाद वो आएंगे हमारे निज मंदिर के मुख्य द्वार पे, जो इस बार हमने सौंदर्यकरण किया है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो मंदिर के अंदर जाएंगे, निज मंदिर में दर्शन करेंगे, फेरी लगाएंगे, और उसके बाद वो स्टेज पे आएंगे। फिर ये हमारा स्टेज भी है, आप देख रहे हो, ये भी हमने व्हाइट हाउस की तरह लुक देके पूरी कोशिश की है हमारे समाज ने, जो ये बनाया है, इसका उद्घाटन करेंगे। कल कितने बजे आने का अनुमान है? 12 बजे। अच्छा, 12 बजे। हाँ। और हेलीकॉप्टर से आएंगे? हाँ, 3 हेलीकॉप्टर आएंगे उनके, 1-2 सुरक्षा में आएंगे, 1 उनके खुद के लैंड करेगा। और समाज को आप इस बहुत बड़ा विशाल मेला भरा जा रहा, और मेरे ख्याल से राष्ट्रपति जी का पहला ये, मतलब हाँ, उपराष्ट्रपति जी का हमारे इतिहास में पहली बार आ रहे हैं, इतना बड़ा VIP, जो हिंदुस्तान का 2 नंबर आदमी। विश्व समाज पर्यावरण प्रेमी रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है, तो आप लोगों की क्या जो है मांगे मुख्य रहेगी, की ताकि विश्व के अंदर इस पर्यावरण संरक्षण का संदेश बहुत अच्छी तरह से जाए? हमारा तो उपराष्ट्रपति महोदय से कोई मांग नहीं है, वो एक ऐसा पद है, वो यहाँ आएंगे तो हमारी जो पर्यावरण का जो संदेश है ना, वो दुनिया में फैलेगा, दुनिया भर के मीडिया आएंगे, और हम प्रचार प्रसार ही करना चाहते हैं कि भाई पर्यावरण और वन जो है वो बचे, सृष्टि बचे, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं करे, वो संदेश हम उपराष्ट्रपति महोदय से चाहते हैं, और वो ही देंगे। समाज से क्या निवेदन करोगे, किस तरीके से राष्ट्रपति का स्वागत किया जाए? अब आप देख लो पलक पावड़े लोगों में कितनी उत्सुकता है, अभी से पता चल सकता है कि कैसा स्वागत होगा, बहुत ही स्वागत, भव्य स्वागत किया जाएगा। और हमारी जो आप मांग की बात करें, वो मांग जो है वो हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री आएंगे, उनसे हम जरूर डिमांड करेंगे, और वो सबसे बड़ी डिमांड हमारी होगी, हमारे को केंद्र के अंदर OBC आरक्षण चाहिए, ये हम उन मंत्रियों से करेंगे। दूसरा प्रोटोकॉल है, तो जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, हाँ, उनको आप आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन में भी पहले की तरह हम जो दर्शन कर पाते हैं उस प्रकार नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हमारे समाज के अंदर सहन शक्ति संयम बहुत ज़्यादा है, उनको पता है कि हमारे गेस्ट आए हैं, तो वो अपने आप, मुझे विश्वास है कि वो जहाँ से गेस्ट निकलेंगे वहाँ सड़क खाली कर देंगे, वो एरिया खाली करेंगे, पर्यावरण को और सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो उसका उदाहरण उसी को इसी से मिलेगा कि हम बिल्कुल एक दायरे में रह के और उनको सुरक्षा के साथ उनका दर्शन, उद्घाटन, स्टेज वगैरह, उनकी यात्रा सब कराएंगे। जब स्टेज से हमारी धर्मसभा समाप्त हो जाएगी तो फिर उनका लंच है, चौधरी साहब भजनलाल जी के सुपुत्र कुलदीप जी विश्नोई साहब। लोगों से अपील करना चाहता हूँ, पर्यावरण प्रेमी और विश्नोई समाज से ज़्यादा आए और इस गुरु महाराज के मत्था टेके यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएं,
ताकि गुरु महाराज सबके ऊपर आशीर्वाद रखे, सती सी कौम के ऊपर आशीर्वाद रखेंगे हमारे गुरु महाराज। बोलो गुरुजंबेश्वर भगवान। तो इन इन लोगों की तरफ कैमरा घुमाओ, कितनी खुशी है इनके अंदर। सब उपराष्ट्रपति महोदय का बाकी इन्होंने दर्शन कर लिया सब और सारे काम पे लगे हुए। बोलो सम्राट अल धोरे की जय। बोलो मुक्ति धाम मुकाम की जय।